समुद्री सरहदों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना हमेशा तैनात रहती है ताकि दुश्मन देशों की चालों को बेकार किया जा सके। इसी को रोकने के लिए मुंबई के मझगांव डॉक्स पर भारतीय नौसेना के लिए नई पनडुब्बी लॉन्च की जाने वाली है। इसके लॉन्चिंग प्रोजेक्ट 75 के तहत की जा रही है। इस घातक पनडुब्बी का नाम है आईएनएस वक्षी। ये एक स्कॉर्पियन यान तलवारी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये बेहद आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी जोड़ा गया है। आईएनएस वक्षी कई प्रकार के मिशन को अंजाम दे सकता है, जैसे कि सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, समुद्री बारूदी सरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी करना। पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय पर हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सबमरीन को मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई है। ये कलवारी क्लास पनडुब्बी है। इस क्लास की पनडुब्बी की लंबाई लगभग 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट होती है। इनमें 4 MTU 12V 396 SE84 इंजन डीजल के लगे होते हैं। इसके अलावा 360 बैटरी सेल्स होती हैं। पानी की सतह पर इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलती है। इसकी रेंज इसकी गति के मुताबिक तय होती है। अगर ये सतह पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो ये 12,000 किलोमीटर तक चल पाएगी। पानी के अंदर ये 1,020 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है, लेकिन गति 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ये 50 दिनों तक पानी के अंदर बिता सकती है। अधिकतम 350 फीट की गहराई तक ये जा सकती है। इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं। इसके अंदर एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगा है। इसके अलावा 533 मिलीमीटर के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स होते हैं। इसमें 18 SUT टॉर्पीडोज या SM.39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा ये पानी के अंदर 30 समुद्री बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। आईएनएस वक्षी के शामिल होने के बाद कलवारी क्लास की 6 अटैक सबमरीन हो जाएंगी। इस क्लास में आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और आईएनएस वागीर लॉन्च की जा चुकी है। यानी कि भारतीय नौसेना के हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।